सो हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। माय नेम इज़ विनीत एंड आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनीत और मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। सो लास्ट लेक्चर में हमने देख लिया कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ शॉक थेरेपी एंड नाउ वी आर अहेड, ठीक है, टेकिंग अ स्टेप फॉरवर्ड एंड हैव रीच्ड एट अ पॉइंट जिसका नाम है टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है। तो पोस्ट सोवियत जो कंट्रीज थी उसके अंदर कौन कौन से टेंशन और कौन कौन से कॉन्फ्लिक्ट हुए उसके बारे में हम जानने वाले हैं, ठीक है। तो एक बार मैं शॉर्ट रीकैप दूंगा, ठीक है, रीकैप तो नहीं, इसी जो हम पढ़ने वाले हैं उसको समराइज करूंगा पहले, ठीक है, उसके बाद मैं डिटेल में लाइन वाइज पढ़ूंगा, ठीक है। तो होता क्या है कि जो रशिया है, रशिया की जो दो रिपब्लिक है चेचनिया और दागिस्तान में, यहाँ पर सेसनिस्ट मूवमेंट होता है। सेसनिस्ट मूवमेंट क्या होता है, तो जब लोग अपनी कंट्री को लेकर कोई मूवमेंट करते हैं, मतलब कि दे वॉन्ट, चेचनिया और दागिस्तान जो चाहता था वो चाहते थे भैया अब हम अपना खुद का कंट्री जो है ना उसको बाइंड करें, खुद की कंट्री को बाइंड करें, ठीक है, चेचनिया और दागिस्तान को डिसइंटीग्रेट कर दिया जाए रशिया से। लेकिन मॉस्को दैट इज कैपिटल ऑफ रशिया, ठीक है, उसने इस मैटर को अच्छे से डील किया। तो चेचनिया जो रेबिलियंस थे हु आर प्रोटेस्टिंग इन चेचन, ठीक है, उन पे बॉम्बिंग की, ठीक है। अब बॉम्बिंग ऐसी की कि जो मिलिट्री है वो उसको लोग डिस्क्रिमिनेट ना करें, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या हुआ, इफ दे हैड डन सच अ ट्रिमेंडस और सच अ डेंजरस वर्क, तो उसकी वजह से क्या हुआ, ह्यूमन राइट वायोलेट होना चालू हो गया। लेकिन ह्यूमन राइट वायोलेट हुई, ठीक है, लेकिन इससे जो डिपेंडेंस था चेचनियन का रशिया के ऊपर वो बढ़ गया और जो इनडिपेंडेंस का जो सोच था, जो एस्पिरेशन थी वो खत्म होगी, ठीक है। सेंट्रल एशिया में क्या होता है, तो सेंट्रल एशिया में तो तजाकिस्तान है, ठीक है, उनके वहां सिविल वॉर होता है और वो 2001 तक चलते हैं, ठीक है। अजरबैजान में क्या होता है, तो नागोर्नो काराबाग को लेकर जो लोकल आर्मेनियंस थे वहां के, वो चाहते थे ये जो नागोर्नो काराबाग है वो वहां से सिकेड हो जाए, मतलब टूट जाए और आर्मेनिया में जुड़ जाए, ठीक है। और जैसी चीज हमारे रशिया में हुई सेम वही चीज हमारे जॉर्जिया में हुई, जो दो स्टेट्स थे, दो प्रोविंस थे, वो डिमांड कर रहे थे इंडिपेंडेंस के लिए, ठीक है, जिसकी वजह से सिविल वॉर हुआ। देर आर मूवमेंट्स अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग रिजाइम्स इन यूक्रेन, ठीक है, और कुछ लोगों ने मूवमेंट किया कि भैया जो यूक्रेन, किर्गिस्तान और जो जॉर्जिया में है उनके जो रिजाइम्स है, मतलब जो वहाँ पे अथॉरिटी है उसका विरोध किया, ठीक है। कंट्रीज और जो प्रोविंसेज हैं, कुछ कंट्रीज कुछ प्रोविंसेज वर स्टार्ट फाइटिंग फॉर रिवर वाटर, कि भैया हमको पानी नहीं है, हमको पानी के लिए लड़ने दो, ठीक है। इसकी वजह से क्या हुआ, इनस्टेबिलिटी आई और जो सिटीजन्स है, मेनली जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स है उसके लिए डिफिकल्टी इंक्रीज हो गई, ठीक है। तो अब डिफिकल्टी इंक्रीज हो गई, अब इसी को लेकर सेंट्रल एशिया में जो कुछ कंट्रीज थी उनके पास तो हाइड्रोकार्बन था, जैसे मैंने यहाँ पे पढ़ाया था, अगर आप इसी वाले सेक्ट में जाओगे, इसी वाले जो कॉलम है, इसी वाला जो पैराग्राफ है, इसी में आपको मिल जाएगा, एंड आई विल रिकॉल दिस फॉर यू, ठीक है, रुको। तो देखो, इनके पास अजरबैजान, कजाकिस्तान, रशिया, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के पास मेजर ऑयल गैस प्रोड्यूसर थे, ठीक है। सो दे स्टार्ट रिकवरिंग देयर इकोनॉमी सो ड्रामेटिकली एंड सो फास्टली, ठीक है। तो जो इनके पास हाइड्रोजन कार्बन के रिसोर्स थे जो कि इनको इकोनॉमिक बेनिफिट देता था, ठीक है, जिसने क्या लाया, इनके वहां पे इकोनॉमिक बेनिफिट लाया। सेंट्रल एशिया जो बन गया वो एक कंपटीशन जोन बन गया, कंपटीशन जोन कैसे, क्योंकि वहां पे ऑयल कंपनीज थी, ठीक है, ऑयल कंपनीज की वजह से आउटसाइड जो पावर है उसका इंटरवेंशन अब इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो जो रीजन था जो उसके बगल में था, जैसे रशिया हो गया, चाइना हो गया, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान एंड सो ऑन, ठीक है, एंड जो भी वेस्ट एशिया की जो कंट्रीज थी वो वहां पे उसकी क्या कंपटीशन बढ़ गया इसकी वजह से। अब आप एक डेट याद रखना, डेट इज आफ्टर 11 सितंबर 2001। सो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस डेट, तो यूएसए में तुमने एक नंबर सुना होगा 9/11। सो व्हाट इज 9/11, तो ओसामा बिन लादेन ने ट्विन टावर जो रशिया बोल रहे यूएसए में है उस पर बॉम्ब गिरा दिया था, वो क्रैश कर दिया था एरोप्लेन बेसिकली। तो उसको लेकर जो यूएसए है चाहता था कि भैया हमें मिलिट्री बेस दिया जाए, ठीक है, तो उसने बाकी गवर्नमेंट्स को पे किया उसके लिए, ठीक है। तो सेंट्रल एशिया में बहुत सारे जो स्टेट है
उनको हायर किया उसके बेस के लिए और उनको पे किया था, कहता था भाई हम तुम्हें पे करेंगे, ठीक है तुम्हें करना है क्या है कि बस हमारे जो एरोप्लेन्स है उसको अपने टेरिटरी के ऊपर से जाने देना है, ठीक है। तो ये अगर सपोज कर लेते हैं ये कंट्री एक्स है तो मेरी जो एरोप्लेन है आपको यहाँ से ऊपर से जाने देना है, ठीक है, फाइटिंग एरोप्लेन्स है, ठीक है। जो अफगानिस्तान और जो इराक का साथ हमारा वॉर है आपको क्या करना है, हमारा ये प्लेन है आपको जाने देना है एंड वी विल पे फॉर दैट, ठीक है। हाउएवर रशिया परसीव दीज स्टेट्स एज अ नियर अबाउट, रशिया का मानना था ये तो हमारे पास के ही कंट्री थे और मानता था कि ये हमारे रशियन इन्फ्लुएंस में है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। इन्होंने तो भैया इनको गोला दे दिया। चाइना का भी इंटरेस्ट बढ़ने लगा जो ऑयल रिसोर्सेज थे, ठीक है। तो चाइना ने क्या किया, एक रूट सेट कर दिया, एक कंडक्ट ट्रेड शूट सेट कर दिया विद सेंट्रल एशिया, ठीक है, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऑयल्स थी, ठीक है। ईस्टर्न यूरोप में जो चेकोस्लोवाकिया है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, चेक्स और स्लोवाक में, जिसकी वजह से इंडिपेंडेंट कंट्रीज का निर्माण हुआ। लेकिन इससे बुरा क्या होगा, बाल्कन स्टेट में, बाल्कन स्टेट में जो यूगोस्लाविया है, ठीक है, वो 1991 में ही टूट गया तीन चार पार्टों में, ठीक है, क्रोशिया, स्लोवेनिया, बोस्निया और हर्जेगोविना, ठीक है, एंड सॉरी आई कांट ट्रांसेंड एंड आई कैन नॉट प्रोनाउंशिएट प्रॉपरली, ठीक है, बट यू हैव टू टॉलरेट मी फॉर अ सेकेंड, ठीक है। तो चार पार्टों में डिसेंट्रिएट हो गया, दैट इज क्रोशिया, स्लोवेनिया, बोस्निया एंड हर्जेगोविना, ठीक है। इन्होंने अपने अपने इंडिपेंडेंस को बोला कि भैया नाउ वी आर एन इंडिपेंडेंस स्टेट, ठीक है, एंड वी आर नॉट अंडर योर इन्फ्लुएंस, ठीक है, लुक मिस्टर यूगोस्लाविया, वी आर नॉट अंडर योर इन्फ्लुएंस एंड नाउ फ्रॉम 1991 वी आर एन इंडिपेंडेंट एंड सॉवरन स्टेट, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो बोस्निया है यहाँ पे कुछ सर्बियन एथनिक सर्बियन ग्रुप होता है, ठीक है, मतलब जो सर्बिया के जो नेटिव लोग थे उनका कुछ ग्रुप था, ठीक है। तो उन्होंने एक क्या कर दिया, मास्केर कर दिया, किसका, नॉन सर्बियन का, ठीक है, जो नॉन सर्बियन लोग रहते थे हु वर रिजाइडिंग बेसिकली इन बोस्निया, ठीक है, दैट वर नॉन सर्बियन, तो उनका कतल वतल कर दिया। सो दिस हैड लेड टू अ सिविल वॉर। अब सिविल वॉर हुआ तो नाटो ने इंटरवीन किया एंड व्हाट दे डिड कि भैया उन्होंने बॉम्बिंग कर दी यूगोस्लाविया पे, ठीक है, यूगोस्लाविया दैट वाज बेसिकली डिसइंटीग्रेटेड इनटू फोर पार्ट एंड ही स्टार्टेड बॉम्बिंग ऑन यूगोस्लाविया एंड, ठीक है, और ये इंटर एथनिक सिविल वॉर था, उसमें भी इंटरवीन करने लगा हमारा नाटो साहब, ठीक है। तो दिस इज ऑल वी आर गोइंग टू रीड, अगर हम वैसे मैंने पढ़ा दिया है बट फॉर योर सेक वी कैन गो फॉर लाइन बाई लाइन, ठीक है। तो टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट, तो मोस्ट ऑफ द फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स आर प्रोन टू कॉन्फ्लिक्ट्स, बहुत सारे जो सोवियत रिपब्लिक्स थे उनके वहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में कॉन्फ्लिक्ट हुई, बहुत जगह तो भैया सिविल वॉर भी हो गया और इंसर्जेंसीज हो गए कि भैया अब हमें अलग अलग कंट्री चाहिए, नाउ वी आर नॉट वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ योर कंट्री, ठीक है। कॉम्प्लिकेटिंग द पिक्चर इज द ग्रोइंग इन्वॉल्वमेंट ऑफ द आउटसाइडर एंड वाई डिड दिस हैपन, ठीक है। तो जो आउटसाइड पावर था उसका इन्वॉल्वमेंट वो इंक्रीज हो रहा था, ठीक है। इन रशिया टू रिपब्लिक्स चेचनिया एंड दागिस्तान हैड अ वायलेंट सेशनिस्ट मूवमेंट, तो रशिया में जो दो पार्ट था रशिया का जो रिपब्लिक्स थे दैट इज चेचनिया और दागिस्तान, वहाँ पे सेशनिस्ट मूवमेंट हुआ, ठीक है। मॉस्को मैथड टू डीलिंग विद द चेचन rebels and discriminate military and indiscriminate military bombing had led to many human rights violations but failed to deter aspiration for the independence. देखो मॉस्को का मेथड क्या था इसको डील करने का, ठीक है, जो चेचन rebels था उसका डील करने क्या था, और जो मिलिट्री थी उसको भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करना था, तो उन्होंने क्या किया, बॉम्बिंग कर दिया, ठीक है। अब बॉम्बिंग की वजह से क्या हुआ, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ, इसकी वजह से क्या हुआ, जो एस्पिरेशन था इंडिपेंडेंस का चेचनिया के जो पब्लिक थी उनका जो, और एनीवन हु आर बेसिकली डूइंग द मूवमेंट, ठीक है, उनका जो ड्रीम था सो कॉल्ड वो हमें टूटता हुआ दिख रहा था, ठीक है। एंड इन सेंट्रल एशिया ताजिकिस्तान विटनेस द सिविल वॉर दैट वेंट फॉर 10 ईयर अप टू 2001. सो सेंट्रल एशिया का जो ताजिकिस्तान है वहां पर सिविल वॉर हुआ एंड सिविल वॉर ठीक है वॉज टेकिंग प्लेस फॉर 10 ईयर्स, ठीक है, 10 साल तक चला टिल 2001.
द रीजन एज अ होल हैज मैनी सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट्स, इस रीजन में बहुत सारे जो सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं वैसे. एंड नाउ वी आर कमिंग बैक टू अजरबैजान. इन अजरबैजान प्रोविंस ऑफ नगार्नो काराबाग सम लोकल आर्मेनियंस वॉन्ट टू सिकेड एंड जॉइन आर्मेनिया. सो इन अजरबैजान देर इज अ प्रोविंस नेम नगार्नो काराबाग. सो बेसिकली वॉट जस्ट हैपेंड, द पीपल ऑफ और द लोकल्स ऑफ आर्मेनिया वॉन्टेड टू सिकेड नगार्नो काराबाग and join it with Armenia. ठीक है. So this was the basically conflict in Azerbaijan. Okay. Georgia had same conflict that Russia just passed from it. ठीक है. That Russia just faced. ठीक है. And what that was कि दो provinces है इसके अंदर वहाँ पे civil war हुआ. Civil war why? Why this civil war took place? So demand for independence. Just they want independence from Georgia. There were movement in against the existing regimes in Ukraine, Kyrgyzstan and Georgia, and for certain problems Ukraine, Kyrgyzstan and Georgia had also faced what ki bhaiya inka jo regime hai uske against mein movement ho rahe hain. theek hai. countries and provinces are fighting over river waters. we can see that countries and provinces are started fighting for river water. theek hai. सो कंट्रीज एंड जो प्रोविंसेस थे वो रिवर वाटर को लेकर लड़ रहे थे. दिस हैड लेड टू द इनस्टेबिलिटी एंड मेकिंग लाइफ डिफिकल्ट फॉर ऑर्डिनरी पीपल. एंड व्हाट डिड जस्ट हैपन, दे डिड दे आर नॉट डूइंग दिस फॉर योर फॉर देयर ओन सेक. ओके, फॉर नॉट देयर ओन बेनिफिट. ठीक है. व्हाट इज हैपनिंग कि दे आर बेसिकली मेकिंग द लाइफ ऑफ ऑर्डिनरी पीपल मोर डिफिकल्ट, और वी कैन से दैट दे आर टेकिंग दिस टू अ नेक्स्ट लेवल ऑफ difficulty for ordinary people. ठीक है. for ordinary citizens they are taking the step forward of difficulty. the central asian republics are areas with the vast hydrogen resources which have brought them economic benefit. so what basically just happened ki the central asia republics, ठीक है, they had a vast amount and they also have right now a large amount of hydrogen carbon resources. I have taught you in the last lecture that Azerbaijan, Kazakhstan, Russia, Turkmenistan, Uzbekistan, they had a large amount of oils and gas resources that they used as reviving. theek hai. so central asia had also become a zone of competition between outside powers and the oil companies. so what now is happening ki jo central asia ka jo part hai, theek hai, wahan pe jo oil companies hai, theek hai, ab oil companies hai to uske wajah se jo outside powers hai unka jo intervention hai wo increase ho jayega. theek hai. so basically what just happened ki jo russia hai, china hai, afghanistan and pakistan, theek hai, jo uske bagal mein the just, theek hai, iske west asia, ये सारा क्या था, मिडल ईस्ट की जस्ट पास में था. क्या जितना भी वेस्ट एशिया है वो उसके पास में था. एंड नाउ व्हाट इज हैपनिंग द वेट अ सेकंड. सो अब क्या हो रहा है कि जो 9/11 है, ठीक है, दैट इज दैट हैपेंड ऑन दैट टुक प्लेस ऑन 11 सितंबर 2001. so US wanted military bases in the region and paid the government of all central asian states to hire bases and allow aeroplanes to fly over their territory during the wars in afghanistan and iraq. so america chahta tha ki jo military base hai wo bane central asian states pe, theek hai. uske liye inko kya chahiye tha, military base chahiye tha, theek hai. to inhone hire karne ke liye governments ko pay kiya, theek hai, aur chahte the ki jo inke aeroplanes hain wo inki territory ke upar se पास कर सके, ठीक है, फ्लाई कर सके ड्यूरिंग द वॉर बिटवीन अफगानिस्तान एंड इराक विद अमेरिका. ठीक है. वाई कि भैया ये अमेरिका का मानना था कि जो उसामा बिन लादेन है, ठीक है, जिसने 9/11 का जो झटका है हमें दिया है, ठीक है, वो कहाँ पर है, इराक और अफगानिस्तान में. हाउएवर जो रसिया है उसका मानना, वो तो ये मानना था कि जो ये दीज स्टेट्स इट्स near abroad and believes that they should be under Russian influence. so Russia क्या मानना था कि भैया ये तो हमारे पास में है और ये हमारे influence में होने चाहिए. China has interest here because of the oil resources and the Chinese have begun to settle down and the borders and conduct trade.
सो व्हाट जस्ट हैपेंड कि भैया जो ऑयल रिसोर्सेज थे सेंट्रल एशिया में उस पर अब चाइना की नज़र पड़ गई। तो चाइना ने क्या किया, अपने आप को सेटल डाउन किया बॉर्डर्स पे, ठीक है, और एक ट्रेड को कंडक्ट करना चालू किया जिससे कि ऑयल को वहां से इंपोर्ट कर सके। इन ईस्टर्न यूरोप चेकोस्लोवाकिया स्प्लिट पीसफुली इनटू टू विद द चेक्स एंड स्लोवाक्स ड्यूरिंग फॉर्मिंग इंडिपेंडेंट कंट्रीज। तो चेकोस्लोवाकिया में कोई भी ऐसा मूवमेंट नहीं हुआ, वहां पे जो मूवमेंट नहीं हुआ, लेकिन वहां पे जो दो प्रोविंस थे दैट वाज चेक एंड स्लोवाक, वो आराम से क्या हुआ, स्प्लिट हो गए, अलग अलग हो गए बिना किसी मूवमेंट के। बट मोस्ट ऑफ द सीवियर कॉन्फ्लिक्ट टुक प्लेस, बट बहुत सारे जो खतरनाक कॉन्फ्लिक्ट थे यूगोस्लाविया, ठीक है, बालकन रिपब्लिक में जो यूगोस्लाविया है वहां पे हुआ। आफ्टर 1991 इट ब्रोक आफ्टर द सेवरल प्रोविंसेस लाइक क्रोशिया स्लोवेनिया एंड बोस्निया एंड हर्जोगोवीना, ठीक है। तो इसके बाद यूगोस्लाविया 1991 में टूटकर बहुत सारे पार्ट्स में डिसइंटीग्रेट हुआ, सच एज क्रोशिया स्लोवेनिया बोस्निया एंड हर्जोगोवीना, ठीक है। इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया, और जो कुछ एथनिक सर्ब्स थे जो बोस्निया में रिसाइड कर रहे थे, उन्होंने क्या कर दिया, जो नॉन सर्बियन जो लोग थे उनको उनका कत्ल कर दिया। अब ये होगा तो भैया कॉन्फ्लिक्ट होगा। सो व्हाट नाटो डिड कि भैया इसने इनके बीच में इंटरवीन कर दिया और बॉम्ब गिरा दिया यूगोस्लाविया में, ठीक है। और इसने क्या किया भैया, जो एथनिक सिविल वॉर था उसमें हाथ जमाना चालू कर दिया, ठीक है। तो यूएसए इज काइंड ऑफ नोटोरियस किड, ठीक है। USA is like me, I guess. He is so cool, kind of so powerful. But okay, let's keep the things apart. ठीक है, तो आज का लेक्चर ये है, and in the next lecture we will conclude the whole chapter. ठीक है, India and post communist countries. We will see how India is benefiting with Russia and what is the relation between India and other पोस्ट सोवियत कंट्रीज, ठीक है। तब तक के लिए सही बच्चों को जय हिंद। आई होप तुम लोग पढ़ रहे होगे।